हाँ जी की कर रहे हैं पुत्र? मूंजी लांदे पियो? केड़ी पैली च? अच्छा इस पैली च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक्स। बहुत ही मज़ेदार होते हैं खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो हम थोड़ा अपने स्टाइल से बनाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आजकल ज़्यादातर टाइम जो है वो खेत में ही जा रहा है, तो चावलों की फसल जो है वो हमें तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं लगातार लगाते हुए। तो ये भी अभी उसी की पनीरी जो है वो हम उखाड़ रहे हैं लगाने के लिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरे चूल्हे पे हम रखेंगे मिट्टी की हंडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंडिया में डालेंगे पानी, चिकन के लेग पीसेस डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ा सा प्याज और लहसुन जो है वो शामिल करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम उबालेंगे चिकन को। नमक डालेंगे। तो अभी हम दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से उबालेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो अच्छे तरीके से उबल गया हमारा, और आलू हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उबल गए हैं। तो अभी नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन निकालते हैं, तो इसमें हमने लहसुन डाला था, उससे चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। आधा टुकड़ा हमने प्याज का भी डाला हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा उबल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमारे ये भी उबल गए हुए हैं, ये भी निकालते हैं। तो चिकन को हम बोन से अलहदा कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा चिकन जो है वो गला हुआ है, ये बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही आसानी के साथ बोन जो है वो अलहदा हो गई है और चिकन जो है वो अलहदा हो गया। तो चिकन जो है उसके रेशे हमने कर लिए हैं। तो अभी हम आलू जो है इनको भी मैश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। आलू हमारे मैश हो गए हैं, तो अभी इन दोनों को हम करेंगे मिक्स। इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी डालेंगे, ये कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई डालते हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी हम वाइट मिर्च जो होती है वाइट पेपर वो भी डाल देते हैं। खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। तो अभी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से इन चीज़ों को ऐसे। मसाले जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे। अब ये लेंगे बोन जो हमने अलहदा की थी,
इसको हम रखेंगे ऐसे, और इसके अंदर अब हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। मैं मज़रेला चीज़ डाली है। चीज़ डालने के बाद लगाएंगे थोड़ा सा इसके ऊपर और इसको हम कुछ इस तरह करेंगे। अब ऐसे प्रेस कर लेंगे। इस तरह की हमने शेप बनानी है। तो अब इसको हम मैदे में कोट करेंगे ऐसे। बोन रखेंगे और इस तरह इसको हम करेंगे प्रेस। थोड़ा ऊपर भी लगा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे हमने तैयार कर लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से हमने मैदे के अंदर कोट कर लिया। तो अभी इस प्याले में हमारे पास हैं 3 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। अंडे में डिप करने के बाद ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स, तो अब ये लगाएंगे सही तरह। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर हम इनको फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक सही तरह फ्राई हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी साइड जो है वो पलटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इनको हम निकाल लेते हैं एहतियात के साथ। माशाल्लाह। और अभी बारिश होना शुरू हो गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।